स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है बॉलीवुड से, और ये कोई और नहीं खबर है शाहरुख खान की। जी हाँ, बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों फिर से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल फिल्म रईस के वक्त हुए एक हादसे में शाहरुख खान के खिलाफ लगी एक याचिका को रद्द करने की मांग के मामले में सुनवाई हुई। एक्टर शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान एक हादसा हुआ था जिसमें एक शख्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 23 जनवरी 2017 को शाहरुख खान की फिल्म प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शख्स की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने शाहरुख खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल फिल्म के रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए शाहरुख खान ट्रेन से गुजरात पहुंचते थे। इसी दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख के पहुंचने के बाद उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। शाहरुख खान पर लगे आरोप थे कि ट्रेन की कोच नंबर 4 में बुकिंग नहीं होने के बावजूद वह प्रमोशन के लिए पहुंचे। वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब ट्रेन रुकी तो भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने लोगों के बीच टी शर्ट और बॉल फेंकी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में शाहरुख पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। मामले को ख़त्म करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि वो शाहरुख खान से माफ़ी के लिए कह सकते हैं। शाहरुख के वकील ने कोर्ट के आगे कहा कि शाहरुख के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है। मरने वाले शख्स को दिल की बीमारी थी, इसी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मृतक के आवेदनकर्ता के वकील को कहा, अगर पीड़ित आवेदनकर्ता की इच्छा हो तो माने तो शाहरुख खान को माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख दी है। शाहरुख के माफ़ी मांगने का फैसला भी तभी हो सकता है। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।